हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय कॉलेज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे पीएमसी की पेड टेस्ट नंबर 20। प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज हम कर रहे हैं, 19 कर लिए, आज करेंगे 20। तो पहला सवाल है, ऑल द एनिमल्स ऑफ द ग्रेड रेडिएटा जो हैं वो कौन से फाइलम से, उसके अंदर कौन से किस्म की लेयर होती है, वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ चेन लाइक अरेंजमेंट। अब जो लफ्ज स्ट्रेप्टो होता है उसकी मीनिंग है चेन। तो अगर स्ट्रेप्टो बेसिलस है और स्ट्रेप्टो कोकी है तो इनके अंदर दोनों आएगा कि स्ट्रेप्टो बेसिलस हो या स्ट्रेप्टो कोकी हो, तो ये चेन की फॉर्म में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन, फिलामेंट एंड मायोसिन इन सार्कोमेर। अब एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट से क्या होती है, उनकी कंट्रेक्शन होती है। तो द डिग्री ऑफ अवर लैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन अफेक्ट द ओवरऑल कंट्रेक्शन ऑफ मसल्स। तो इसका जवाब होगा सी। Which of the following is not the characteristic of mitochondria? Mitochondria का कौन सा character नहीं है कि number of mitochondria is constant in each cell? हालांकि जो भी cell होते हैं on the basis of energy requirement उनके अंदर कम या ज़्यादा mitochondria मौजूद होते हैं। अब जो mitochondria होते हैं वो on the basis of एनर्जी रिक्वायरमेंट उनका नंबर कम या ज़्यादा होता है सेल के अंदर। जैसे अगर हर्ट है तो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह चेक होती है, कंपटीशन होगी तो उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ चेक हो सकती है। द फेज मतलब कि वायरस जो कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल से स्टार्ट होगा तो उस वायरस को हम लाइसोजेनिक फेज कहेंगे। मम्स और मीजल्स ये एक दो बीमारी हैं, वायरल डिजीज हैं, वो कौन से वायरस से काज होती हैं, तो वो काज होती हैं पैरामैक्सो वायरस से, ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उस पर कौन सी चीज़, इमोशन भी और माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कम या ज़्यादा से भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अफेक्ट होती है। हु केम अप विद द टर्म सेल। ये रॉबर्ट हुक, पहले भी पेड टेस्ट नंबर 3 में भी हमने ये सवाल रिपीट था कि सेल जो है वो किस, द टर्म सेल, हु गिव द टर्म सेल, सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। उसका मकसद है कि स्मॉल होलो स्पेसेस। और क्वेश्चन नंबर 10 है, द बाइनियल पेरिनियल एंड लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज नॉट रिसीव्ड बाय। अब ये प्लांट की इसमें बता रहे हैं कि एक प्लांट जो कि 2 साल के अंदर, साल के अंदर ये जो उनकी लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट होती है, तो उसके एम्ब्रियो ऑफ सीड में भी होती है, शूट ऑफ अपेक्स में होती है, लेकिन उनके लीफ में ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, HCl भी नहीं है, लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल किसे कहते हैं, न्यूरॉन की टर्मिनल में, एग्जॉन टर्मिनल जो होता है उसके अंदर एक सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिस्चार्ज होंगे, वो एसिटाइल कोलिन होंगे, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट। कितनी परसेंटेज करते हैं, ओनली 10% टेरेस्ट्रियल प्लांट करते हैं, बाकी जो प्लांट पानी के अंदर है जैसे ओशन है, लेक्स, पॉन्ड्स, उनके अंदर वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपको ये पता होगा कि दुनिया के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल है 70% या 80% ऑक्सीजन दुनिया के अंदर जो है वो अलगाई पैदा करते हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं, एक्वाटिक प्लांट हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो जो है सिर्फ 10% करते हैं, ठीक हो गया। तो ओनली एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन सा है, क्रस्टेशियंस, जिसमें आ रहा है प्रॉन, अरकनीड्स में स्पाइडर आता है, ठीक है, मेरियापोडा में सेंटीपीड और मिलीपीड आता है, और गैस्ट्रोपोडा में स्नेल्स आते हैं, ये मोलस्का की क्लास है। विच इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। द गैप इन द माइलिन शीट, जो एक न्यूरॉन है उसके ऊपर जो फैटी लेयर है उनके बीच में जो गैप है उनको क्या कहा जाता है, नोड ऑफ रेनर वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। एज वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गन विच रिलीज ऑक्सीजन फ्राम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। द सिमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजस्टिंग प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच में जो लेयर होती है जो सिमेंटिंग करती है उसे क्या कहते हैं, मिडल लेमिला।
ड्यूरिंग द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? बेक क्रॉस को कहते हैं, या जिसके अंदर हम अननोन जीनोटाइप को क्रॉस करें होमोजाइगस से, तो उसे कहेंगे क्या? टेस्ट क्रॉस। तो ये कह रहे हैं कि किससे हम वो क्रॉस करेंगे? होमोजाइगस से करेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव से अननोन जीनोटाइप को क्रॉस करेंगे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर इट इज होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस डोमिनेंट आर नॉट। द क्लियर फ्लूड प्रेजेंट इन द इंटीरियर चेंबर इज कॉल्ड, जो क्लियर फ्लूड है प्रेजेंट जो है इंटीरियर चेंबर के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। अभी यहाँ पे ये क्लियर पॉइंट नहीं है, ये क्लियर चेंबर कहा जा रहा है आई के चेंबर को। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर ये टॉपिक है, लेकिन जो इन केस ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक है या फिर पंजाब का, उसके अंदर ये नहीं है। मूवमेंट ऑफ मटीरियल एक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू नॉट रिक्वायर्ड, एक जब मूवमेंट ऑफ मटीरियल हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन एंड आउट और उसके अंदर एनर्जी यूज ना हो, तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और डिफ्यूजन भी उसका एक टाइप है पैसिव का, तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, बी एंड सी। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो ह्यूमन का होता है वो थर्ड मंथ के बाद फीटस कहलाता है, वो थर्ड मंथ से पहले एम्ब्रियो कहलाता है। फीटस का मकसद है अनबॉर्न चाइल्ड। द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच सेल डिवीजन टेक प्लेस विदाउट एनी कंट्रोल काज ट्यूमर इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं लंग कैंसर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन, इसका लंग कैंसर। द टोटल गेस्टेशन पीरियड, अब यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड इन सेंस ऑफ ह्यूमन है तो 280 डेज है, क्योंकि ये जो भी एग्जांपल डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गए हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन में ह्यूमन के लिए गए हैं, और जो सिंध के बच्चे हैं उनके लिए ये परेशानी है क्योंकि वो चिक की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड बेस्ट इंडिकेट अ यूकेरियोटिक सेल, तो उसके अंदर कौन से हैं वो ऑर्गेनेल्स हैं कि वो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं या नहीं है। डैश इज फॉर्म्ड बाय टू पेयर ऑफ लाइट चेन एंड वन पेयर ऑफ हैवी चेन, अब ये टू पेयर ऑफ लाइट चेन किसमें पाई जाती हैं? मायोसिन के अंदर, उसके अंदर जो हैवी हेड होता है उनका, और हेड के अंदर एटीपीएज एक्टिविटी भी होती है। एक्टिन एंड मायोसिन आर द बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन कंट्रैक्शन मैकेनिज्म ऑफ द मसल्स, विच टाइप ऑफ प्रोटीन दे बिलोंग टू, अब ये फंक्शनल प्रोटीन भी होती है और ग्लोबुलर भी होती है, तो इसे कहते हैं ए एंड बी इज करेक्ट। वेयर डज द मस्कुलर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पर होती है? वी ऑल नो तो ऑक्सीजन यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पर एटीपी बनती है। फास्फोरिलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल एंड मेक एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा के बारे में कौन सी चीज ट्रू है? कि गैस्ट्रोपोडा जो है वो एक्वाटिक भी होते हैं और लंग्स से रेस्पायर करते हैं, और जब वो लार्वल कंडीशन में होते हैं तो वो एक्वाटिक में भी मिलते हैं, पानी के अंदर भी। आर्की बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, और ये बैक्टीरिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव कर लेते हैं। हाउ डज इन ब्रीडिंग नेगेटिवली इम्पेक्ट ऑन पॉपुलेशन, इन ब्रीडिंग जो होती है वो ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटिव को कहते हैं इन ब्रीडिंगली, और पॉपुलेशन पे उसका नेगेटिव कैसे अफेक्ट होगा? क्योंकि जैसे कि वो ब्रीडिंग एक रिलेटिव के अंदर होगी तो उनके अंदर जो है रिड्यूस नंबर ऑफ हिट्रोजाइगसिटी नंबर जो है वो रिड्यूस होगी, जी हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल वो भी बढ़ेंगे, तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन ऑल ऑफ देम डी। द नंबर ऑफ कैप्सोमर फाउंड इन एडिनो वायरसेस, अब ये जो है वो रटे वाला सवाल है कि कितने कैप्सोमर हैं। कैप्सोमर क्या कहते हैं? प्रोटीनियस सब यूनिट को कैप्सोमर कहते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद है द कंट्रेक्शन ऑफ मसल बाय एक्टिन एंड मायोसिन डिस्क्राइब्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वी ऑल नो। द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होगा? वो होगा कि कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स, वो इनहिबिटर से कम हो सकता है। द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन फॉर देयर सेल्स एंड फ्रॉम एनवायरमेंट इज नोन एज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, क्योंकि इसके अंदर ये सेल्स की बात की जा रही है तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज आएगा। स्केलेटन मसल्स आर वॉलेंट्री इन
फंक्शन। विच ऑफ दीज इज बेस्ट डेवलप्ड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर सेरिबिलम जो है वो मोस्ट डेवलप होता है। और सेरिबिलम का काम क्या है, जो हम जो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, जो हम ये साइकिल चला रहे हैं मोटरसाइकिल या कार वगैरह, उसके अंदर जो बैलेंस का काम कर रही है, तो बर्ड्स की माइग्रेशन के दौरान तो इनके अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीटरोजाइगस, हीटरोजाइगस क्या है, आर बड़ी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, अगर आर बड़ी और आर छोटी होती तो वो हीटरोजाइगस कहलाती। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट पोलीमराइज्ड थ्रो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसके अंदर क्या होगा, माल्टोज जो है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। द परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय लीफ इज 0.01%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट विरियान, विरियान कहते हैं कंप्लीट वायरस पार्टिकल को विरियान बोलते हैं। एन इन्फेक्शियस एंड फुली वायरल पार्टिकल इज नोन एज विरियान। और प्रियॉन और विरियॉट्स अलग होते हैं, प्रियॉन पॉजिनियस प्रोटीन है, विरियॉट्स सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। सीडोसिलोमेट मतलब कि फास्ट सिलोम किसका करेक्टरिस्टिक है, एज वी ऑल नो प्लेटी हेलमेंथिस जो हैं उनके अंदर एसिलोमेट हैं, और सिलेंट्रेटा के अंदर भी एसिलोमेट है, एनिलीडा जो है ट्रूसिलोमेट है, एस्की हेलमेंथिस जो एस्की हेलमेंथिस जिसको हम राउंड वार्म कहते हैं, इनके अंदर जो है वो सीडोसिलोम होता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच कैटलाइज केमिकल रिएक्शन, अब ये सारा बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं, एंजाइम की डेफिनेशन को बता रहे हैं कि ये एंजाइम कैटलाइज्ड है जो कि अनचेंज होता है। विदाउट द फॉलोइंग कंटेन जीन फॉर ड्रग एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट जो कि उनके अंदर मॉडिफिकेशन आती रहती है प्लाज्मिड में, ताकि वो रेजिस्टेंस कर सकें ड्रग्स से, डिजीज से या किसी और केमिकल से जो कि बैक्टीरिया को नुकसान दे रही है। द ग्राफ दैट शो रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। अब ये जो सिंध के बच्चे हैं उनको ये पता नहीं एक्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो एक्शन स्पेक्ट्रम ये जो है नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस क्या है, वो डीएनए इन्वॉल्वड वायरस हैं। द मेड्यूला ऑब्लिगेटा इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन में पाया जाता है, ये टॉप ऑफ स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है और बेस ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। आउट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हाउ मेनी पेयर ऑफ लंबर नर्व आर प्रेजेंट, तो ये 5 है। लंबर रीजन किसे कहते हैं, बेली रीजन को लंबर रीजन, हेड होता है सर्विकल, उसके बाद आता है थोरेकिक, उसके बाद आता है लंबर, उसके बाद सेक्रल रीजन आता है, तो इस तरह से ये इनके रीजन्स हैं। द एंजाइम बाइंड विथ केमिकल रिएक्टेंट विच इज़ नोन एज, वो जो केमिकल रिएक्टेंट से बाइंड करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, इट वॉज वेरी ईजी। द आर्गन दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल, वो आर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करते हैं उसे गोनेट कहते हैं, और वो अगर वो जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं उसे हम गेमेट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्गन का पूछा गया है तो गोनेट आएगा। द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व इन कॉन्शियस एक्टिविटी इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इज 20 ml। अब ये जो है वो आपको मेजरमेंट आपको सिंध और पंजाब के बुक में नहीं मिलेंगे। व्हेन अ फीमेल ओव्यूलेट इन विच फेस ऑफ डिवीजन इज द ओसाइट, अब ओसाइट कौन से फेस में होता है, वो मेटाफेस 2 की स्टेज में होता है। अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विच सेलुलर स्ट्रक्चर वुड डिफ्रेंशिएट अ प्लांट्स फ्राम एनिमल सेल, कौन सा पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, वो है सेल वैक्यूल्स, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्लांट है या एनिमल का। द एक्सपेरिमेंट दैट सिम्यूलेटेड कंडीशंस, अब ये कंडीशन बता रहा है इवोल्यूशंस की कि जब दुनिया बनी थी अर्ली अर्थ जब दुनिया बनी थी उस टाइम जो कंडीशन थी दुनिया की उस वैसी कंडीशन बना के किसने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुई है, तो मिलर एंड ओरे जो हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया था और वही कंडीशन बनाई थी जो अर्ली अर्थ की थी, और उसके बाद उन्होंने बताया था देखें किस तरह वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहे हैं, तो उस थ्योरी को कहा गया था कीमोजेनेसिस थ्योरी। लेम्फ वेसल्स ट्रांसफर फ्रॉम लेम्फ इनटू ब्लड इज नोन एज सबक्लेविनल वेन से ये ट्रांसफर होता है। द फंक्शन ऑफ वायरल कैप्सिड इज, वायरल कैप्सिड का काम क्या है, वायरल कैप्सिड का काम
प्रोटेक्शन देना है, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट भी देना है, सर्विंग एज व्हीकल ट्रांसमिशन भी है, तो ये सारे इनके अंदर आएंगे। स्ट्रेप्टोबेसिलस इज बेसिकली अ क्या है, स्ट्रेप्टो एक चेन ऑफ बेसिल, जैसे मैंने पहले कहा स्ट्रेप्टो मतलब है चेन ऑफ बेसिलस। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके जो पड़ोसी हैं उनके अंदर फ्लावर गार्डन है, उसमें ये है कि रेड फ्लावर्स और वाइट फ्लावर हैं, ये जो फ्लावर हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अब फ्लावर जो है ऑटोनॉमियस ट्रेड है, जो फ्लावर का कलर है वो ऑटोनॉमियस ट्रेड है। द जीन फॉर रेड कलर इज आर डोमिनेंट और जीन जो वाइट का है आर छोटी है रिसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर फ्लावर जो है वो रिसेसिव है, तो रिसेसिव कलर हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव में शो होगा, और ये आर बड़ी और आर बड़ी आर छोटी ये जो है किस में आएंगी, ये रेड कलर में आएंगी क्योंकि रेड कलर डोमिनेंट है। ठीक हो गया। इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म सेल फॉलो अ स्पेसिफिक पाथवे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू स्पर्म्स इंटर आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द एपिडाइडमस, एपिडाइडमस से निकल के बाद उसके बाद आएगा वास डिफरेंस, उसके बाद वास डिफरेंस से निकल के वो इजेक्टोरी डक्ट पे आता है, इजेक्टोरी डक्ट से निकल के वो यूरिथ्रा पे आता है। ये पाथवे आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार जो है पेट टेस्ट में आ रहा है, तो ये इम्तिहान में भी आ सकता है। इन मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द थ्री लेयर आर रिप्रेजेंटेड एज, उनके अंदर किस तरह वो रिप्रेजेंट होगी, तो ये स्ट्रक्चरल वो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम देम, वो कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे वो पता चलेगा। व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर द पेन इन जॉइंट, पेन जो होता है जॉइंट के अंदर उसे क्या कहते हैं, उसे जॉइंट को कहते हैं अर्थ्रो, तो अर्थ्रोगिलिया जो है उसके पेन को कहते हैं पेन इन द जॉइंट। Bacteriophages have been used widely in genetic research since they are the smallest and simplest biological entities. Entities का मकसद है जिसको हम ये पहचान ना सकेंगे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, या जिस पे हमें डाउट हो कि ये लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दोनों है, तो उसे हम कहेंगे entities टर्म देंगे। तो क्यों है, क्योंकि a self replication in host cell, से host cell के अंदर वो self replicate करता है। Out of 6 molecule of G3P, अब ये किससे किस चीज़ को पता है, केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन के अंदर ये G3P मॉलिक्यूल जो 6 होते हैं उनमें से एक निकल जाता है, तो वो कितने एक निकलेगा, उसके बाद दूसरी मरतबा ये के डार्क रिएक्शन होगी, एक और G3P मॉलिक्यूल निकलेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्शियस एक्टिविटी इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाउ मेनी कार्बन डज सिट्रेट हैव, सिट्रेट के कार्बन साइकिल जो है उसके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल 6 होते हैं। लास्ट टू द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड इन ऑन अर्थ इज नोन एज जरकून, ये जरकून जो है वो 4.4 बिलियन ईयर्स अगो ये ओल्डेस्ट नोन मिनरल्स है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय अल्कलाइल इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन कहते हैं फार्मेशन ऑफ सोप को, तो इसके अंदर ये डिटेल है कि सपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फैट और ऑयल को कन्वर्ट कर लेता है सोप और इन अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ अक्वस अल्कलाई। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, लाइक कमेंट्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।